तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर डॉक्टर जी और कांतारा ने दिखाया अपना जादू। परिणीति की कोड नेम तिरंगा हुई फ्लॉप। बीते दिन बॉक्स ऑफिस पर क्लैश देखने को मिला एक और, जहां आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत और शेफाली शाह की फिल्म डॉक्टर जी रिलीज हुई है, वहीं दूसरी ओर हार्डी संधू और परिणीति चोपड़ा की कोड नेम तिरंगा ने भी दस्तक दी है। इन दोनों बॉलीवुड फिल्मों के साथ ही ऋषभ शेट्टी और सप्तमी गौड़ा स्टारर कांतारा का हिंदी वर्जन भी रिलीज हुआ है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं इन तीनों फिल्म का कलेक्शन कितना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी मूवी का कलेक्शन। आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह फिल्म डॉक्टर जी को क्रिटिक्स ने मिक्स रिव्यू मिले हैं। हालांकि दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ की है। फिल्म में आयुष्मान गायनोलॉजिस्ट के किरदार में हैं, ऐसे में समाज की ओर से उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है, इस बात को फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। बात करें इस फिल्म के कलेक्शन की तो सैकनिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 2 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं परिणीति चोपड़ा की कोड नेम तिरंगा मूवी की। परिणीति चोपड़ा भले ही अपने सादगी और खूबसूरती से ऑन स्क्रीन फैंस का दिल जीत लेती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक उनका जादू नहीं दिख पाया है। सैकनिक के अर्ली ट्रेंड के मुताबिक हार्डी संधू और परिणीति की इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 25 लाख रुपया कलेक्शन किया है। बता दें कि परिणीति के खाते में उनके दम पर एक भी बड़ी हिट फिल्म नहीं है। वहीं केसरी के बाद उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। जबरिया जोड़ी, द गर्ल ऑन द ट्रेन, संदीप और पिंकी फरार, साइना और अब कोड नेम तिरंगा, कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दम नहीं दिखा पाई। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऋषभ शेट्टी की कांतारा मूवी की। तो ऋषभ शेट्टी और सप्तमी गौड़ा की स्टार कांतारा एक और जहां 100 करोड़ क्लब के नज़दीक पहुंच गई है, तो वहीं फिल्म बीते दिन हिंदी में भी रिलीज हुई। फिल्म को प्रभास सहित कई अन्य सेलेब्स ने सहारा है और क्रिटिक्स ने भी हिंदी वर्जन को अच्छा बताया है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 1.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बता दें कि दक्षिण कन्नड़ के काल्पनिक गाँव में स्थापित कांतारा एक विजुअल ट्रीट है कि पारंपरिक संस्कृति को जीवित करती है। फिल्म की कहानी मानव और प्रकृति के संघर्ष पर आधारित है। तो दोस्तों मैंने आपका फर्स्ट डे कलेक्शन इन तीनों मूवी का बताया है। तो आपको क्या लगता है कौन सी मूवी ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी, तो अपना ओपिनियन जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और आपका इन तीनों मूवी के बारे में क्या कहना है, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।